मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम पर शनिवार को मुफ्ती सरकार मेहरबान हो गई। आलम को बारामूला जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी आलम की रिहाई का विरोध कर रही थी, लेकिन मुफ्ती सरकार ने इसे दरकिनार कर यह फैसला लिया। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 42 साल का आलम जेल में बंद एकमात्र राजनीतिक कैदी था। मसरत आलम को हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की वकालत की थी। मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द ही राजनीतिक कैदियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाएगी। इस अध्यादेश के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी हमारी सरकार मिली जुली है। मुफ्ती साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है। मेरे ख्याल में जेल में किसको रखना है, किसको छोड़ना है, जम्मू कश्मीर का माहौल किस तरह सही रहेगा, ये मुझे कम से कम ये बातों में उन्हीं पे छोड़नी चाहिए। क्योंकि क्या कोई भी सरकार ये चाहेगी कि हमारा माहौल खराब हो गया? अगर खुदा ना खास्ता कल को हमें लगता है किसी ऐसे कैदी को रिलीज करने से जम्मू कश्मीर के माहौल पे मनफी असर पड़ता है, तो वो तो हमें हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको कैसे डील करें। पिछले कई सालों में इन लोगों को कई बार पकड़ा गया, कई बार छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। किसी कैदी को कोई जो करता है, कोई सियासी वर्कर है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना घबराने की जरूरत है, इतना हंगामा करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक बहुत बड़ा फैसले के तहत मसरत आलम को छोड़ने का फैसला लिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद सैयद के इस फैसले के साथ कितना कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल पाती है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज के लिए जम्मू से। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।